हेलो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से क्या क्या जरूरी खबरें सामने आ रही है। तो पहली बड़ी खबर यहां पर वंदे भारत मिशन को लेकर आ चुकी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया की वंदे भारत मिशन की नई फ्लाइटों की लिस्ट आ चुकी है। यदि आप इस समय दुनिया के दूसरे देशों में हैं और भारत आना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया की इन फ्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करके भारत में आ सकते हैं। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2020 में की थी। ऐसे सभी लोगों के लिए जो लोग दूसरे देशों में हैं और भारत आना चाहते हैं। तो यदि आप वंदे भारत मिशन की नई फ्लाइटों की लिस्ट जानना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगली अपडेट यहाँ पर कनाडा की तरफ से आ गई है। तो यदि आप कनाडा के लिए अर्जेंट बेसिस पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस समय आप कतर या फिर मालदीव के रास्ते कनाडा ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कारण ये दोनों देश फिर से भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर सकते हैं। क्योंकि कतर की गवर्नमेंट ने 2 अगस्त से ही इंडियन पैसेंजर्स के ऊपर 10 दिन का क्वारंटीन लागू कर दिया है। तो अब आपके पास मालदीव का रास्ता ही बचा है, आप मालदीव के रास्ते कनाडा के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरब और यूएई की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने दुबई के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया हुआ है, जिसके बाद अब यहाँ पर इतिहाद एयरवेज ने ये नया नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें कि वो ये बता रही है कि वो अपनी सभी फ्लाइटें सऊदी अरेबिया के लिए 10 अगस्त तक बंद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले इतिहाद एयरवेज की इन फ्लाइटों से केवल सऊदी के नागरिक ही ट्रैवल करके जा रहे थे, लेकिन उन लोगों की संख्या काफी कम थी, जिससे कि इतिहाद एयरवेज को इन फ्लाइटों से काफी नुकसान हो रहा था, जिसके बाद अब इतिहाद एयरवेज ने अपनी सभी उड़ानों को सऊदी अरेबिया के लिए बंद करने का फैसला ले लिया है। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर भारत और दुबई की उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। तो वैसे तो भारत और दुबई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद है, लेकिन इसको लेकर एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से नई नई अपडेट दी जा रही है, जिसमें कि अब इतिहाद और अमीरात एयरलाइंस ने ये जानकारी दी है कि 10 अगस्त तक भारत और दुबई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी और फिलहाल के लिए दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि यूएई की गवर्नमेंट ने 22 अगस्त तक का समय दिया हुआ है। यदि 22 अगस्त तक हालात सामान्य हो जाते हैं और यूएई की गवर्नमेंट फ्लाइटों के रिस्ट्रिक्शन को आगे लंबे समय के लिए नहीं बढ़ाती है तो भारत और दुबई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 22 अगस्त के बाद अवश्य ही चालू हो सकेंगी। तो दोस्तों, ये सारी खबरें आ रही थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। ऐसी और लेटेस्ट खबरों को यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।